हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे चरक चिकित्सा चैप्टर नंबर 14, अर्श चिकित्सा। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। कई क्वेश्चंस इस चैप्टर में से हर साल एंट्रेंस एग्ज़ाम में, फिर चाहे वो एमओ के लिए हो, सॉरी एमडी के लिए हो, या फिर यूपीएससी के लिए हो, या एएमओ के लिए हो, ज़रूर आते हैं इस चैप्टर में से कई क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्श नाम की निरुक्ति, जो अर्श नाम है इसकी क्या निरुक्ति है? सबसे पहला पॉइंट ये है, इसका आंसर है कि अरिवत प्राणात शरणाति इति अर्श, मतलब कि जो शत्रुवत नाश करता है उसको अर्श कहते हैं। अरिवत प्राणात शरणाति इति अर्श। नेक्स्ट इज, आचार्य वाग्भट जी ने इसको कहा है कि जो मांस कील जो होते हैं गुदा मार्ग को निरोध करते हैं, मतलब रास्ता रोकते हैं गुदा मार्ग का, उसको अवरोध करते हैं, उसको अर्श कहते हैं। और इसके भेद, आचार्य चरक जी ने एंड वाग्भट जी ने एंड षाडंगर जी ने अर्श के दो भेद बताए हैं, शुष्क एंड श्रावी। श्रावी मतलब कि जो हेमरॉइड्स होते हैं, ब्लीडिंग पाइल्स, ठीक है। तो इसका जो आचार्य चरक एंड वाग्भट ने एंड षाडंगर जी ने दो भेद बताए हैं, शुष्क एंड श्रावी। आचार्य सुश्रुत जी ने छः भेद बताए हैं, वात पित्त कफ रक्त सन्निपातज VPKRS एंड सहज अर्श। एंड सुश्रुत जी ने द्वंद्वज अर्श भी जो है छः प्रकार के बताए हैं। और अर्श के जो दूष्य होते हैं, आचार्य चरक वाग्भट एंड माधव निदान ने अर्श के दूष्य तीन बताए हैं, मांस मेद एंड त्वक। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो भेद बताए हैं आचार्य चरक एंड वाग्भट शरणंदर जी ने, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो भेद होते हैं, शुष्क एंड श्रावी। और आचार्य सुश्रुत जी ने अर्श के केस में कहा है कि उन्होंने दूष्य का वर्णन नहीं किया है, ठीक है। दूष्य जो है मांस मेद त्वक, वो आचार्य वाग्भट ने, चरक ने एंड माधव निदान जी ने बताए हैं, जबकि सुश्रुत ने दूष्य का वर्णन नहीं किया है। उन्होंने लिंग अर्श में दूष्य बताए हैं, मांस और रक्त। आचार्य वाग्भट जी कहते हैं कि जो अर्श होते हैं वो सहज भी होते हैं और उत्तर कालज भी होते हैं। पहले तो उन्होंने शुष्क एंड श्रावी बताया था, अभी वो बता रहे हैं कि सहज भी होते हैं एंड उत्तर कालज भी होते हैं। जो उत्तर कालज अर्श होते हैं उसके अंडर VPKRS एंड संसर्गज अर्श आते हैं, मतलब कि सहज एंड उत्तर कालज। उत्तर कालज के फर्दर जो टाइप्स हैं वो छः प्रकार के हैं, वात पित्त कफ रक्तज संसर्गज एंड सन्निपातज। अर्श में कोई आगंतुक भेद नहीं होता है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इसके ऑप्शंस भी बड़े कंफ्यूजिंग करने वाले होते हैं, तो आप हमेशा याद रखिए कि अर्श का कोई भी आगंतुक भेद नहीं होता है। अर्श का एक सिनोनिम और है, अर्श को अधिमांस विकार भी कहते हैं। एंड इसके बाद है कि जो सहज अर्श होता है इसको कुलज विकार भी कहते हैं, आदि बल प्रवृत्त विकार भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें शुक्र शोणित की दुष्टि की वजह से ये होता है। आचार्य चरक ने कहा है कि जो गुदवली बनाने वाला बीज होता है उसकी दुष्टि होने के कारण अर्श होता है। और गुदवली बनाने वाला जो बीज होता है उसकी दुष्टि होती क्यों है? माता पिता के अपचार और पूर्वकृत कर्म के कारण। मात पित्रो अपचार एंड पूर्वकृतम च कर्म, यस्य यस्य अंग अव्यवस्य बीज बीज भागे उपतप्तो भवति तस्य तस्य अंग अव्यस्य विकृति उपजाते। ये श्लोक हमने, आप अगर देखेंगे जो मेरा चरक शरीर चैप्टर नंबर 3 है उसका एपिसोड में ये श्लोक भी मैंने बताया है, जो कि मैं यहाँ बता रही हूँ कि यस्य यस्य अंग अव्यस्य बीज बीज भागे उपतप्तो भवति, कि जिस जिस बीज के भाग में डिफेक्ट होता है, विकृति होती है, उसी उसी बीज भाग के रिलेटेड जो अंग होता है उसमें विकृति आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सॉरी नेक्स्ट पॉइंट इज अर्श का अधिष्ठान। अर्श का अधिष्ठान क्या है? गुदा के 4.5 अंगुल स्थान में 3 गुदवलियाँ जो होती हैं वहाँ पे अर्श होता है। सर्वेषां च अर्श साम अधिष्ठानम, सर्वेषां च अर्श साम अधिष्ठानम। अर्श का जो अधिष्ठान है, मैंने आपको बताया है कि जो गुदवली, गुदा के 4.5 अंगुल स्थान में 3 गुदवलियों में अर्श होता है, और ये होता कहाँ पे है? मेद मांस त्वक, ठीक है। तो ये 3 दूष्य बताए थे, तो इस एरिया में, ये जो एरिया है, इस एरिया में मेद मांस त्वक में अर्श होता है। अर्श की जो इसका जो मैंने आपको बताया था एक सिनोनिम अधिमांस, अधिमांस
क्यों कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है। अधिमास का मतलब होता है आउट ग्रोथ ऑफ दुष्टि मास, जो दुष्ट मास होता है उसकी आउट ग्रोथ हो जाती है, जो मस्से हमें हम देखने को मिलते हैं हमें पेशेंट में, उसको अधिमास कहते हैं, इसलिए उसी को हम अर्श भी कहते हैं। अर्श एंड अधिमास दोनों सिनोनिम हैं। नेक्स्ट इज कि अर्श मास अंकुर होता है गुदवली में, ऐसा आचार्य चरक कहते हैं। ठीक है, सेम वही मीनिंग है लेकिन पॉइंट्स अलग अलग हैं। और आचार्य सुश्रुत एंड शाडंगदर जी कहते हैं कि गुदवलियाँ जो है तीन होती हैं, और इसका नाम क्या है, अगर हम इनर टू आउटर की तरफ जाएं, अंदर से बाहर की तरफ जाएं, तो इसमें गुदवलियाँ तीन होती हैं। अंदर सबसे अंदर वाली होती है प्रवाहिनी, उसके बाद विसर्जनी, एंड तीसरी होती है संवर्णी, PVS। ठीक है, प्रवाहिनी, विसर्जनी एंड सबसे आउटर मोस्ट इज संवर्णी। आचार्य वाग्भट जी ने जो गुदवली बताई है वो इस तरह से है, सबसे अंदर है प्रवाहिनी, फिर उसके बाद सर्जनी, जो पहले मैंने आपको विसर्जनी बोला था वो आचार्य वाग्भट जी ने सर्जनी कहा है, एंड थर्ड इज़ गृहिणी। ठीक है, प्रवाहिनी, सर्जनी, गृहिणी, ये तीन गुदवलियाँ होती हैं जो फीकल मैटर को कंट्रोल करती हैं, मतलब कि जो स्टूल पास करने में हमारा वॉलेंट्री कंट्रोल होता है वो तीन गुदवलियों के कारण होता है। ठीक है, और जो गुदवलियाँ होती हैं इसका अगर हम 4.5 अंगुल का एरिया देखें, तो आउटर मोस्ट में सबसे पहले रोम आता है 1.5 यव का, फिर उसके बाद आता है गुद ओष्ट 1 अंगुल, एंड देन सबसे आउटर में संवर्णी आती है। ठीक है, रोम के बाद गुद ओष्ट, उसके बाद संवर्णी आती है 1.5 अंगुल, एंड देन विसर्जनी आती है 1.5 अंगुल, उसके बाद लास्ट में आती है प्रवाहिनी। ठीक है, रोम, गुद ओष्ट, फिर उसके बाद एज जो सीक्वेंस मैंने पहले बताई थी, आउटर से संवर्णी, फिर विसर्जनी एंड प्रवाहिनी, और आधी अर्ध अंगुल अंतरा, मतलब कि 1.5 अंगुल का सब में अंतर होता है, जो तीनों लेयर्स होती हैं। ठीक है, जो तीनों गुदवली होती हैं। सहज अर्श का लक्षण क्या होता है, जन्म से ही व्यक्ति जो है कृश विवर्ण का होता है, विबंध से पीड़ित होता है, उसको कॉन्स्टिपेशन होती है, वात मूत्र पुरुष संग होता है। अब हमने पहले ही पढ़ा है कि जैसे आचार्य वाग्भट जी कहते हैं कि मांस कील से गुद मार्ग जो है वो अवरोध हो जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो वात मूत्र पुरुष है इनका संग हो जाएगा, इनका भी अवरोध हो जाएगा। ठीक है, एंड प्रचुर विबद्ध वात मूत्र पुरुष शर्करा अश्मरी मान, वही बात है कि जो प्रचुर, जो काफ़ी ज़्यादा हद तक वात मूत्र पुरुष जो है वो विबद्ध हो जाते हैं, उनका मार्ग अवरोध होने की वजह से वो निकल नहीं पाता है वेग, और शर्करा अश्मरी मान, जो मूत्र में शर्करा जो है वो निकलती है, एंड पुरुष जो होती है वो अनियत होती है, मतलब कि कभी पक्व कभी अपक्व मल पेशेंट जो है पास करता है। और अदर कॉम्प्लिकेशंस ऐसे पेशेंट्स में क्या आते हैं, उद्गार, मतलब बेल्चिंग होती है बार बार। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उद्गार जो है अर्श के पेशेंट को किस तरह का आता है, तिक्त अमल पार्श्व, तिक्त अमल उद्गार होता है। ठीक है, बस आपने इतना याद रखना है, तिक्त अमल उद्गार, और इसके अलावा पार्श्व कुक्षी हृदय और त्रिक प्रदेश में स्टिफनेस आ जाती है, पार्श्व कुक्षी हृदय एंड त्रिक प्रदेश में स्टिफनेस, स्तंभता आ जाती है। पिच्छल कुनप गंदी आम पुरीश पास करता है, गुद शूल प्रवाहिका होती है, एंड अल्प शुक्र जो है इससे वो पीड़ित होता है। ठीक है, बेल्चिंग होगी, डाइजेशन के रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसको, कि विड मूत्र पुरीश इनका संग हो जाता है, एंड डकार जो उद्गार आता है, तिक्त अमल होता है, पार्श्व कुक्षी हृदय त्रिक प्रदेश में स्टिफनेस आती है, पिछल कुनप गंदी आम पुरीश कभी पक्व कभी अपक्व पुरीश पास करता है, मल त्याग करता है, एंड गुद में शूल होती है, प्रवाहिका होती है, और अल्प शुक्र जो है, अल्प शुक्र होता है उस पेशेंट में, एंड वात पित्त कफ कुपित जब तीनों हो जाए तो त्रिदोषद विकार होता है, उसको सन्निपातक अर्श बोलते हैं हम। इसके बाद है कि उपद्रव क्या होते हैं अर्श के, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहला है प्रवाहिका, प्रवाहिका जो उपद्रव होता है वो हमें देखने को मिलता है सहज अर्श में, वात अर्श में, एंड कफज अर्श में। एंड प्रवाहिका उपद्रव आप याद रखिए कि कफज अतिसार में भी ये कॉम्प्लिकेशन, ये उपद्रव होता है प्रवाहिका, इन कफज अतिसार, वातज एंड कफज अर्श एज वेल एज सहज अर्श। और गृहिणी, गृहिणी में जहाँ हमने अर्श के पेशेंट में जो है उद्गार तिक्त अमल मैंने आपको बताया था, वहीं गृहिणी में तिक्त अमल उद्गार होता है, प्लस लोह आम गंधी भी होता है उद्गार। और रक्त पित्त में उद्गार जो होता है वो शुक्त अमल गंध रस उद्गार होता है। एंड नेक्स्ट इज
शीतल जल का स्पर्श होना या फिर वस्ती नेत्र से गुदा को क्षत होना या फिर विषम प्रसव करना, आम गर्भपात होना, अबॉर्शन होना या अपान, इन सब कारणों से अपान वायु क्या करती है, कुपित होकर अधोगत मार्ग में जाकर गुदावली को आघात पहुंचा के अर्श को उत्पन्न करती है। ठीक है, मेनली इसमें अपान वायु जो है वो कुपित हो जाती है, अधोगत मार्ग में जाती है एंड गुदावली में आघात करके अर्श को उत्पन्न करती है। कारण क्या होते हैं अपान वायु के कुपित होने के, वस्ती नेत्र से गुदा में क्षत होना या विषम प्रसव करना या फिर आम गर्भपात होना, शीतल जल का स्पर्श होना, ये सारे कारण होते हैं। एंड आचार्य वाग्भट ने कहा है कि जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अर्श की जो हमने कंपैरिजन कर किया है आचार्य ने वो बताया है इसमें। आचार्य वाग्भट जी कहते हैं कि जो वातिक अर्श होता है वो बिंबी, करकंदू, करपास, खजूर, कदम्ब पुष्प के समान होता है। पित्तज अर्श जो है वो नीलमुख होता है, और नीला पीला ही पित्तज में आता है तो नीलमुख होता है, शुक जीवा के जैसे होता है, यकृत खंड के जैसे होता है, या जलोका वक्त्र, जलोका के मुख के जैसे होता है। ठीक है, नीलमुख, शुक जीवा, यकृत खंड, जलोका के वक्र मुख के जैसे होता है, जबकि कफज जो होता है वो करीर, पनस, गोस्तन के जैसा होता है। ये कफज के रिलेटेड तो मैंने इतने क्वेश्चंस देखे हैं कि गोस्तनी आकार का होता है कफज अर्श। ये कई मैंने मॉडल टेस्ट पेपर्स जो पढ़े हैं उसमें ये क्वेश्चन रिपीटेडली कई बार आ चुका है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ नोट करिए इसको एंड वीडियो को बार बार देखिए, सुनिए, ताकि आपको ये पॉइंट्स जो है याद आ जाए। मैं आपको डायरेक्ट ये पॉइंट्स बता रही हूँ क्योंकि एक एक लाइन, एक एक चैप्टर पढ़ने के बाद ये पॉइंट्स जो है हम लोगों ने एक जगह नोट किए हुए हैं, ताकि आपको ये पॉइंट्स बता दें, आपका टाइम वेस्ट ना हो, पूरा चैप्टर कम से कम टाइम में कम्प्लीट हो जाए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी कंप्लीट हो जाएं। नेक्स्ट, इसके जो रक्तज अर्श होता है वो वट प्रो, गुंजा या विद्रुम के जैसे बताया गया है, और वातज अर्श जो है इसमें लक्षण क्या होते हैं, प्रवाहिका होता है, श्याम, अरुण, पुरुष, नयन, नख, दाह। ठीक है, जो इसमें कलर डिसकलरेशन जो है वो बताई हुई है, वो तो आप आई थिंक गैस कर ही लेंगे, श्याम, अरुण, परुष, नयन होते हैं, नख, वदन, ये सब होते हैं। एंड प्रवाहिका इसका आपको याद रखना है कि सिम्टम होता है। और आचार्य वाग्भट जी ने कहा है कि जो वातिज अर्श होता है उसमें सतोकम सशब्दम प्रवाहिकम, मतलब कि शब्द के साथ वो स्थूल पास करता है, और पित्तज अर्श जो है इसमें मृदु, शिथिल, सुकुमारानी, स्पर्श अर्शानी, मतलब कि जो अर्श होते हैं वो मृदु होते हैं और शिथिल होते हैं, और त्वक, मूत्र, पुरुष सब पीत वर्ण के होते हैं। एंड इसमें जो स्पर्श असहायता, मतलब कि जो स्पर्श है वो असहनीय होता है, ऐसा पित्तज अर्श में देखा जाता है। और स्पर्श असहायता और किस में देखा जाता है, पित्तज गुल्म में भी देखा जाता है, रक्तज सिरोरोग में, रक्तज अधिमंथ में भी देखा जाता है। एंड इसके बाद है कि जो कफज अर्श है वो पिंजर, श्वेत, रक्त, पिच्छा, श्रावणी। ठीक है, तो जो श्वेत, रक्त, पिच्छल जो पुरुष होता है वो उसका श्राव होता है, एंड परिकर्तिका होती है, गुदा में कैंची से काटने जैसी पीड़ा होती है, क्लैब्या होता है, आम होता है। एंड कफज अर्श आचार्य वाग्भट जी कहते हैं वस स कफ पराज्या पुरुषा स प्रवाहिका, मतलब कि मेन उन्होंने प्रवाहिका जो है इसका लक्षण बताया है कफज अर्श में। कफज अर्श जो है इसमें प्रागवात सेवन जो है, इट्स वन ऑफ द रीज़न, कफज अर्श का जो निदान बताया है दैट इज़ प्रागवात सेवन, मतलब कि जो पूर्वी वायु होती है उसका सेवन करना कफज अर्श का एक वन ऑफ द निदान माना गया है। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने आपको ये जो चैप्टर नंबर 14 है चरक का, अर्श चिकित्सा, इसका पार्ट वन में मैंने आपको ये कई पॉइंट्स जो हैं बताए हैं, हमने लगभग आधा चैप्टर जो है कंप्लीट किया है एंड नेक्स्ट जो आधा है वो मैं आपको पार्ट टू में बताऊंगी। तब तक के लिए इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको ये पॉइंट्स जो है लर्न हो जाए, एक बार सुनने से या दो बार सुनने से ये पॉइंट्स जो हैं कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स होते हैं, कन्फ्यूज़ करते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि ऑप्शंस जो होते हैं वो कन्फ्यूज़ करते हैं, लेकिन आप बार बार सुनेंगे तब आपको ये एकदम से टिप्स पर ये पॉइंट्स हो जाएंगे, तो आपका कोई भी एमसीक्यू जो है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता इस चैप्टर के रिलेटेड, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैंने नहीं आपको बताया। तो अब तक जो है सारे पॉइंट्स लाइन टू लाइन आपको बताए हैं एंड जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इसमें भी कवर्ड है, इसको बार बार सुनिए। एंड हमारा चरक बूस्टर बैच जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है,
जिसमें हम पूरी चरक संहिता आपको पढ़ाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे एज वेल एज़ आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। 3,000 रुपये उसकी फ़ीस है। यदि आपको वो ज्वाइन करना है कोर्स तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगी इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।